सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग सतबल की सीरीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सतबल में आज हमारा जो टॉपिक है ये है कालबल, ठीक है। ये कालबल के ऊपर है और कालबल में हम लोग अस्पक्षबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले है आज का जो टॉपिक है सतबल में हम लोग काल बल के ऊपर हम लोग जानेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पक्षबल। ये पक्षबल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रोज की तरह हम लोग जो सतबल में जो इकाई है उसे रूप कहते हैं, रूप से हम मापते हैं, ठीक है। वन रूप बल इक्वल टू 60 सस्त्यांश और 60 विरूप, ठीक है। और वन सस्त्यांश इक्वल टू 3 डिग्री, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, नाम से ही हम जानते हैं कि पक्षबल, पक्ष कितना, ये चंद्र मास में जो लूना तिथि से कितना होगा, 15-15 का 30 डिग्री, 30 तिथि को हम भाग कर देंगे, 15-15 का 2 तिथि होगा, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से हम आज जानेंगे, ठीक है। पहले हम मून को लेते हैं, ठीक है। ये कृष्ण पक्ष का, ठीक है, ये शुक्ल पक्ष का होगा, ठीक है। प्रथमा तिथि से अब तो ये शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का प्रथमा तिथि होगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा कि ये डार्क साइड है, ठीक है। ये जो है न्यू मून है, डार्क, ये डार्क साइड है, ये है पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा, न्यू मून और फुल मून, ठीक है। और चंद्र देवता जो है अष्टमी तिथि से, शुक्ल अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक शुभ माना गया है, ठीक है। ये है कृष्ण अष्टमी अष्टमी और ये है शुक्ल अष्टमी अष्टमी जो है ये शुभ माना गया है। अभी कैसे डायरेक्शन क्या होगा, शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से, ठीक है, प्रथमा तिथि से अप टू चंद्र देवता का मूवमेंट चलेगा, न्यू मून से फुल मून से न्यू मून, इसका जो डिफरेंस होगा कितना, 180 डिग्री में, ठीक है। अभी हमें जानना है कि जो बेनिफिक प्लेनेट क्या क्या है। जो बेनिफिक प्लेनेट है वो गुरु देवता, गुरु, बृहस्पति और शुक्र देवता, ये 2 प्लेनेट जो है ये निसंदेह ही बेनिफिक प्लेनेट है। और जो बुध है, बुध अगर शुभ ग्रह के साथ हो, बुध अगर शुभ ग्रह के साथ एसोसिएट हो तो बुध शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ एसोसिएट हो तो बुध अशुभ होता है। और पापी ग्रह क्या है, जो यह शुभ हुआ, यह शुभ ग्रह हुआ, और पापी ग्रह जो है रवि, मंगल, शनि, जो ये है पापी ग्रह हुआ, ठीक है। ये रवि, मंगल, शनि पापी ग्रह होता है। और साथ में क्या होता है कि अगर बुध इन लोगों का साथ रहता है तो ये हमेशा पापी रहता है। बुध देवता,
शुभ ग्रह के साथ में जुटी में हो तो शुभ होगा, पापी के साथ होगा तो पापी होगा, ठीक है। और बुध, और बुध देवता, ये जो डायग्राम है इसे हम क्या जानते हैं कि ये प्रथम शुक्ल की प्रथम तिथि से पूर्णिमा तिथि आया, पूर्णिमा से फिर कृष्ण पक्ष का पहला तिथि आया तो पूर्णिमा, फिर अमावस्या तिथि आया। अमावस्या को हम क्या कहेंगे, न्यू मून, जहां पर चंद्र देवता का कोई भी कोई भी प्रकाश नहीं होता है। तब ये जो शुभ प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट पूर्णिमा को, ठीक है, शुक्ल पक्ष में शुभ प्लेनेट बलि होता है। उसका बलि कैसे होगा, जैसे कि यहां से शुक्ल की प्रथमा तिथि से आया तो देखिएगा, मून अगर 3 डिग्री चलेगा, मून अगर 3 डिग्री चलेगा तो जातक को वाम, जो प्लेनेट है, जो भी मेलिफिक हो, बेनिफिक हो, मेलिफिक होने से टुवर्ड्स पूर्णिमा वो 0 षष्ठांश मिलेगा, टुवर्ड्स अमावस्या को 60 षष्ठांश मिलता है। जो बेनिफिक प्लेनेट है टुवर्ड्स शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक 60 षष्ठांश मिलता है। कितना मिलेगा, देखिएगा संधि का बात को, कि एवरी 3 डिग्री में, ठीक है, एवरी 3 डिग्री में कितना मिलेगा, 1 षष्ठांश मिलेगा प्लेनेट को, रूप बल मिलेगा जो है 1 षष्ठांश, 1 रूप बल इक्वल टू 60 षष्ठांश। तो एवरी 3 डिग्री में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक ये बढ़ते 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 अप टू 60 षष्ठांश तक, ठीक है। तो कितना मिलेगा, एवरी षष्ठांश में अगर चंद्रदेवता 3 डिग्री चला तो 1 षष्ठांश मिलेगा, और यहां से अगर एवरी षष्ठांश में 3 डिग्री बल जो ग्रह का है वो घटेगा। अभी समझते हैं बात को, गुरु शुक्र और बुध, पाप रहित बुध, ठीक है, पूर्णिमा में अगर पूर्णिमा हुआ तो उसे 60 षष्ठांश मिलता है। और अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कृष्ण पक्ष से पूर्णिमा तक एवरी 3 डिग्री में 1-1 षष्ठांश का बढ़ता जाएगा। अभी वो डिसाइड करेगा कि कितना डिग्री में मून है, कितना डिग्री में प्लेनेट है, वो डिसाइड करेगा। और फिर जो पापी प्लेनेट है, पापी प्लेनेट में क्या होगा कि कृष्ण प्रथम मास है अप टू अमावस्या तक पापी प्लेनेट को 60 षष्ठांश मिलता है, ठीक है। अगर बुध अगर पाप ग्रह का साथ संगति में हो तो बुध पापी हो जाएगा, तब बुध को भी 60 षष्ठांश मिलेगा, ठीक है। वो कृष्ण पक्ष में आप तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से होते हुए 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 फिर कृष्ण अष्टमी तक तो चंद्र देवता अच्छा ही जारी देता है। कृष्ण अष्टमी के बाद कृष्ण नवमी से आप तो शुक्ल सप्तमी तक चंद्र देवता खराब रिजल्ट देगा और उसका जो षष्ठांश है वो घटता हुआ 0 षष्ठांश में आ जाएगा। ये गुरु गुरु हुआ, देखिए गुरु गुरु शुक्र और बुध पाप रहित बुध अगर अमावस्या में हुआ, इन अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि को कितना षष्ठांश मिलेगा, 0 षष्ठांश मिलेगा, ठीक है। और पापी प्लेनेट जो है ये है शुभ प्लेनेट, शुभ प्लेनेट और पापी प्लेनेट जो है, पापी प्लेनेट क्या है, रवि, रवि मंगल शनि, शनि और बुध देवता जुटी में हो, बुध 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 देवता हो तो पूर्णिमा में 0 षष्ठांश, पूर्णिमा में 0 षष्ठांश प्राप्त होगा। इस तरह हम उसका बल निकाल सकते हैं, कितना शुक्ल पक्ष से एवरी 3 डिग्री में 1 षष्ठांश आएगा, 1 षष्ठांश ऐसे बढ़ते 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 60 षष्ठांश तक गया, फिर कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से घटते घटते 1 डिग्री में 1 षष्ठांश, 3 डिग्री में 1 षष्ठांश, घटते 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 0 में आ जाएगा,
अगर पापी हुआ तो इस तरफ अच्छा होगा, अगर शुभ प्लेनेट हुआ तो इस तरफ अच्छा होगा। पापी हुआ तो अमावस्या में 60 षष्ठ्यांश मिलेगा और शुभ हुआ तो पूर्णिमा में 60 षष्ठ्यांश मिलेगा। ये है फॉर्मूला सतबल में पक्ष बल निकालने का, ठीक है। इसका एक इक्वेशन है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की लंबीट्यूड को अगर सूरज की लंबीट्यूड पे हम माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कृष्ण पक्ष का जन्म है या शुक्ल पक्ष का जन्म है, तब हम प्लेनेट का जो स्ट्रेंथ है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पक्ष बल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया होगा। इस तरह मैं नया नया वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। देखिए ये हजारों साल पुराना इतिहास है, इसे हमें जानना है, नहीं तो कोई कोई हम लोगों के ऊपर ही उंगली उठा देता है। और जाते जाते एक बात और कह रहता हो, हाल ही में मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का साथ बात करने का मौका मिला था। उसने बोला था कि आप लोग तो एस्ट्रोलॉजी करते हो, ये तो रियल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। साथ में हम लोगों का भी कुछ एस्ट्रोलॉजर है, वो लोग भी उसको ही सपोर्ट किया था। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बोल दो कि हम लोग जो करते हैं ज्योतिष शास्त्र करते हैं, ये ना एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी ही नहीं ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले सिद्धांत होता है। सिद्धांत मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लेनेट है उसका डिस्टेंस क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये सिद्धांत में आता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग प्लेनेट है उसका साइज क्या है, उसका रोटेशन कितना कितना दिन में कितना सालों में रोटेशन करता है, ये सब सिद्धांत में आता है। फिर आता है संहिता। संहिता मतलब एक समूह को लेके जब हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, प्लेनेट नक्षत्र को देख के, प्लेनेट के व्यवहार को देख के जब करते हैं, वो संहिता होता है। और होरा जो होता है, जो एस्ट्रोलॉजी का साथ मिला रहता है, होरा होरा एवरी इंडिविजुअल का, जो जिस दिन जातक का जन्म हुआ था उस दिन प्लेनेटरी पोजिशन किया था उसका ऊपर वो होरा होता है। और ये होरा को अगर हम संहिता और सिद्धांत के साथ मिला देते हैं विदाउट नोइंग सिद्धांत और संहिता, ये एस्ट्रोलॉजी पूरा नहीं होता है, तब एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है, हम लोगों का शास्त्र है। या आपके साथ मैं क्यों बोला कि जब कोई बोलते हैं हमारे शास्त्र के बारे में तो अच्छा नहीं लगता है, जो भी हो कुछ ज्यादा बोल दिया शायद। इस तरह मैं नया नया टॉपिक आपके सम्मुख लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।